चाईबासा के जवाहर नवोदय विद्यालय के सभागार में विद्यालय प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की गई। जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में नवोदय विद्यालय प्रबंधन समिति की इस बैठक में स्कूली शिक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की गई। मौके पर स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए डीसी ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का मुख्य मकसद स्कूल के बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर किया गया है। साथ ही बैठक का मकसद विद्यालय परिसर में सभी उचित व्यवस्थाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना भी है। उन्होंने कहा कि संस्थागत विकास के साथ साथ विषयगत शिक्षा के अलावे सीखने सिखाने के सभी आयामों में बच्चों को उत्कृष्ट करना इस बैठक का मकसद है। सभी टीचर्स, सभी बच्चे, मीडियागण, आप सभी को जोहार। मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका मैं चेयरमैन रहता हूँ और हम लोग किस तरीके से विद्यालय के मैनेजमेंट को सुदृढ़ रख सकें, उसमें और बेहतर कार्य कर सकें ताकि आप लोगों को सभी को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, इसका यह ध्येय रहता है। शिक्षा के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग सीखने सिखाने के और भी आयामों पर खड़े उतर सकें। हो सकता है यहाँ पर खेल में, साथ ही साथ लैब्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपका योगदान रहता है। हम लोग का ये मानना रहता है कि पूरे सर्वांगीण विकास के लिए, किसी भी बच्चे के ओवरऑल विकास के लिए ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और हम लोग आपके प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल सर के मंतव्यों के द्वारा, उनके रिकमेंडेशंस के द्वारा हम लोगों को ये पता चलता है कि किस तरीके से स्कूल के मैनेजमेंट को और भी बेहतर किया जा सकता है। न्यू पेंशन नीति के विरोध में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन पाकुड़ शाखा के द्वारा पाकुड़ रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 1 पर एक दिवसीय भूख हड़ताल धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन शाखा के अध्यक्ष अखिलेश चौबे ने किया, जिसमें तमाम रेलकर्मी मौजूद रहे। वहीं अखिलेश चौबे ने कहा कि न्यू पेंशन नीति के विरोध में पूरे देश भर में विरोध कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं होने पर यूनियन के निर्देशानुसार आगे का विरोध प्रदर्शन और उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः चालू करना और साथ ही साथ न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करना, ये मुख्य मांग है। हम लोग का ये कार्यक्रम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए पिछले फरवरी मार्च 21 तारीख से क्रमबद्ध तरीके से रूप में कार्यक्रम को किया जा रहा है। पता दिवस के रूप में, कभी धरना के रूप में, कभी मार्च के रूप में, और ये पूरे देश में एक साथ। न्यू पेंशन नीति के विरोध में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन पाकुड़ शाखा के द्वारा पाकुड़ रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म 1 पर एक दिवसीय भूख हड़ताल धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन शाखा के अध्यक्ष अखिलेश चौबे ने किया, जिसमें तमाम रेलकर्मी भी मौजूद रहे। अखिलेश चौबे ने कहा कि न्यू पेंशन नीति के विरोध में पूरे देश भर में विरोध कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं होने पर यूनियन के निर्देशानुसार आगे भी विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तय की जाएगी। स्कीम पुनः चालू करना और साथ ही साथ न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करना, ये मुख्य मांग है। हम लोग का ये कार्यक्रम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए पिछले फरवरी मार्च 21 तारीख से क्रमबद्ध तरीके से रूप में कार्यक्रम को किया जा रहा है। पता दिवस के रूप में, कभी धरना के रूप में, कभी